अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आबिश फारूक, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइंस क्लास 3, यूनिट नंबर 3, पार्ट 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 15, द रिस्पायरेटरी सिस्टम। हैज़ मेंशन अर्लियर, द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इट हेल्प इन ब्रीथिंग। द एयर वी इनहेल इज नॉट ऑलवेज प्योर, इट नीड टू बी क्लीन, मॉइस्चर and warm before going to the lungs. The cleaning and moistening process is done by here having a sticky substance called mucus. It is a present in the nose. The inhaled air contain oxygen which is necessary for life. The oxygen enter the windpipe opening of the nose or through nostril and finally reach the lungs. Here the oxygen mix with the blood in the lungs and make blood rich in oxygen. At the same time, carbon dioxide is removed from the blood, which is then carried back through the respiratory tract and finally exhaled. देखें, इसमें ये बताया हुआ है कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कितनी किस चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। नोस यानी हमारी नाक, वाइंड पाइप जिससे हम सांस लेते हैं, गला एंड लंग्स फेफड़े, ये किस में हेल्प करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। जब हम कोई भी सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो प्योर नहीं होती, उसमें डस्ट होते हैं। तो उसको अल्लाह ताला की कुदरत है, उसको क्लीन अप करने के लिए हमारी नाक में हेयर्स बनाए, बाल बनाए, जो भी हमारे ईयर में डस्ट सब्सटेंस होते हैं वो उसको वहीं पर रोक लेता है और सांस वाइंड पाइप में बिल्कुल और हमारी सांस में बिल्कुल क्लीन एंड वार्म यानी गर्म हवा जाती है। इसी तरह से जो हम सांस लेते हैं वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सो स्टूडेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम नोज़, वाइंड पाइप एंड लंग्स ऑर्गन्स के ज़रिए हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कम्प्लीट होता है। नोज़ जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 16। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस। व्हेन वी ईट फूड, इट च्यूड एंड मिक्स्ड विद सैलिवा, अ वाटरी फ्लूइड इन अवर माउथ एंड पास इनटू अ फूड पाइप। फूड इंटर द स्टमक एंड फ्रॉम द फूड पाइप। हेयर फूड मिक्स विद सम डाइजेस्टिव जूस एंड बिकम सॉफ्ट। Then food enter the small intestine where digestion take place. The digested food give us energy to work and play. The undigested food is then pushed into the large intestine and finally exert out from the body through the anus. देखिए, मैं इसमें आपको एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ये सबसे पहले आप ये समझ लें, डाइजेस्टिव सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है, माउथ पे, फूड पाइप पे, स्टमक पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हम कोई भी मिसाल के तौर पे हमने कोई खाना खाया, निवाला खाया, माउथ के ज़रिए खाया, ठीक है। वो खाना हमारे टीथ यानी दांतों के ज़रिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसने च्यू करा यानी चबा लिया। फिर क्या हुआ, मिक्स विद सैलिवा, फिर वो थूक के साथ मिक्स हो गया। फिर क्या हुआ, अ वाटरी फ्लूइड इन आवर माउथ, और वाटरी फ्लूइड में हमारे मुंह में जमा हो गया। फिर उसने मुंह से पास आउट होकर वो किस में चला गया, फूड पाइप यानी हमारी ग़िज़ाई नाली में। देन फूड इंटर हुआ स्टमक में, किस से, फूड पाइप से, स्टमक ये है, मैदे में इंटर हुआ। हेयर फूड मिक्स विद द सम डाइजेस्टिव जूस एंड बिकम सॉफ्ट। इधर क्या हुआ, कुछ डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो उसके साथ मिक्स हो गया और भी सॉफ्ट, और भी नरम हो गया। देन फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वियर डाइजेशन टेक प्लेस। फिर उसके बाद वो स्मॉल छोटी आंत में चला गया, ठीक है। द डाइजेस्टिव फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो वो जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, उस फूड की वजह से हमें एनर्जी, तवन्नाई मिलती है जिससे हम कोई भी काम कर सकें, आप लोग खेल सकें, ठीक है। और द अनडाइजेस्टिव फूड को वो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, या तो उनको क्या करते हैं, उनको कहाँ पे पुश या कहाँ पे धकेल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए फिर फाइनली किससे एग्जर्ट आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से,
जो बिल्कुल फालतू यानी जिसका काम नहीं होता वो एनएस के ज़रिए हमारी बॉडी से एग्जैक्ट हो जाता है। नाउ पेज नंबर 17, द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द ब्लड इज पंपिंग ऑर्गन, इट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट हैज़ 4 चैम्बर ऑन एवरेज। द हार्ट कैन पंप 7 लीटर्स ऑफ ब्लड अराउंड योर बॉडी। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? हार्ट पर, ब्लड पर, खून पर, दिल पर और ब्लड वेसल्स खून की नालियों पर। ये पंपिंग ऑर्गन है यानी हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ऑन एवरेज यानी 1 a day ये 7 liter ब्लड हमारी बॉडी में अराउंड गर्दिश करता रहता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इट पंप टू ऑक्सीजन रिच ब्लड टू पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ऑक्सीजन ब्लड को तमाम बॉडी में पहुँचाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर द ह्यूमन बॉडी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह खैर। टेक केयर।